दोस्तों, इंसान प्रकृति रचना का सबसे अच्छा उदाहरण है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग प्रकृति की इस रचना के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने खुद को एक जानवर के रूप में बदल लिया। तो चलिए आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में। इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हॉरिस रिडलर, द जैब्रामैन। हॉरिस रिडलर लंदन का रहने वाला एक स्लाइड शो परफॉर्मर था। हॉरिस रिडलर ने जैब्रा की तरह पूरे शरीर में टैटू बनवा रखे। इसके शरीर पर जैब्रा की तरह ही काली और सफेद पट्टियां बनी हुई। हॉरिस रिडलर ने खुद ही अपना नाम बदलकर द ग्रेट ओमी या द ग्रेट जैब्रा रख लिया था। 1965 में 83 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। टॉम लेपर्ड, लेपर्ड मैन ऑफ स्काई नाम से दुनिया भर में मशहूर टॉम लेपर्ड का एक अलग ही शौक था। टॉम लेपर्ड का जन्म 14 अक्टूबर 1935 में ब्रिटेन के वुडब्रिज में हुआ था। उन्हें पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया का टैटू मैन माना था और बाद में सबसे अधिक टैटू वाले वरिष्ठ नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त। टॉम लेपर्ड ने शरीर पर लगभग 100% हिस्से में चीते और तेंदुए की तरह टैटू बनवा रखे थे और आज दुनिया उन्हें लेपर्ड मैन ऑफ स्काई के नाम से जानती है। लकी डायमंड रिच, लकी डायमंड रिच दुनिया का वो इंसान है जिसके पूरे शरीर पर टैटू बना हुआ है। इसके शरीर के हर एक अंग पर, नाक, कान, गाल, हर एक जगह पर टैटू बने हुए हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी यह दावा किया है कि इनके शरीर पर 100% टैटू है। इसके लिए उन्हें 1000 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा। 16 साल की उम्र में पहला टैटू बनवाया और 28 साल की उम्र में उनकी पूरी शरीर पर टैटू बन चुकी थी। टैड रिचर्ड, पैरट मैन। 56 साल के टैड रिचर्ड ब्रिस्टल के रहने वाले और इन्हें इतना ज्यादा पैरट पसंद है कि इन्होंने अपने पूरे चेहरे पर तोते की तरह रंग बिरंगे टैटू बनवा रखे हैं। टैड ने 1976 में अपना फर्स्ट टैटू करवाया था। इसके बाद से उन्होंने अपने पूरे बॉडी में टैटू बनवा लिए। इन्होंने दो चुंबक भी अपने हाथों में इम्प्लांट करवाए हैं। इन्होंने चेहरे पर तोते के जैसे रंग बिरंगे फर लगाकर 110 अनोखे टैटू बनवाए हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने चेहरे पर ही 50 पियर्सिंग करवाई है और अपनी जीभ भी कटवाई है। वो वर्तमान में एक ऐसा सर्जन की तलाश कर रहे हैं जो उनकी नाक को चोंच में बदल सके। अब इसके बाद दोस्तों, हम जिस शख्स के बारे में आपको बताने वाले, इसके बारे में जानकर आप वाकई हैरान रह जाओगे। हम बात कर रहे हैं रोड्रिगो ब्रागा की, जिसे डॉग मैन के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में रहने वाले इस शख्स का नाम रोड्रिगो ब्रागा है, जो कि पेशे में एक आर्टिस्ट है और कुत्तों को बेहद ज्यादा पसंद करता है। वो चाहते थे कि उनका चेहरा भी कुत्ते की तरह ही दिखे, इसलिए उन्होंने लोकल अथॉरिटीज से इजाजत लेने के बाद एक बीमार कुत्ते को मारकर उस कुत्ते का चेहरा अपने चेहरे पर लगवा लिया। चेहरा जुड़ने के बाद वो भी कुत्ते की ही तरह दिखने लगे, जिसके बाद वह डॉग मैन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अजीबोगरीब लोगों के बारे में जिन्होंने अपने चेहरे को पूरे जानवर के रूप में बदल दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।